बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में नागपंचमी का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा। महाकालेश्वर मंदिर में स्थित भगवान नागचंद्रेश्वर के पट परंपरा अनुसार रात्रि 12 बजे खोल दिया गया। अब भगवान नागचंद्रेश्वर के पूजन के बाद मंदिर में रात से ही श्रद्धालु दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में नागपंचमी पर भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन की महत्ता है। महाकाल मंदिर के शीर्ष पर भगवान नागचंद्रेश्वर का अति प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में नाग पर विराज शिव पार्वती की अति दुर्लभ मूर्ति है। मान्यता है कि मंदिर में नागचंद्रेश्वर की प्रतिमा के दर्शन और पूजन से शिव पार्वती दोनों ही संपन्न होते हैं, साथ ही सर्प भय से भी मुक्ति मिलती है। नाग पंचमी पर नाग को दूध पिलाने की भी परंपरा है, इसलिए श्रद्धालु यहां नाग चंद्रेश्वर मंदिर में स्थित मूर्ति 11वीं शताब्दी के परंपरा काल की है, जो कि नाग चंद्रेश्वर मंदिर में स्थापित प्रतिमा में शेषनाग की शैया पर भगवान शिव तथा पार्वती के साथ भगवान गणेश और कार्तिक भी विराजमान है। जैसा कि हम सबको ज्ञात है कि भगवान महाकाल का यह प्यारा सा जो दिव्य प्रांगण है, भगवान महाकाल का जो दिव्य मंदिर है, उसमें तृतीय तल पर भगवान नागचंद्रेश्वर स्थापित हैं, जिसमें वर्ष में एक दिन के लिए 24 घंटे के लिए भगवान नागचंद्रेश्वर सभी श्रद्धालुओं को दर्शन देने के लिए यहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो उसी पद्धति में आज नागपंचमी के पावन पर्व पर पूर्व परंपरा के अनुसार मंदिर के पट खोले गए और जो हमारी परिपाटी रही है, परंपरा रही है, श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के महंत के द्वारा पट खोलना विधिवत पूजन परंपरा जो रही, उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए षोडशोपचार पंचोपचार पद्धति से भगवान का पूजन अभिषेक किया गया और उसके पश्चात भव्य रुद्राभिषेक किया गया। निश्चित रूप से हमारे यहाँ जो नागपंचमी का पावन पर्व है, त्रिकाल पूजा की परंपरा है, जिसमें कि तीन समय पूजन किया जाता है, तो ये पट खुले तो एक काल की पूजन हो चुका है। आज नागचंद्रेश्वर मंदिर के दर्शन प्रारंभ हो गए हैं। आज लगभग 12:15 बजे से दर्शन प्रारंभ करवा दिया गया है। तर्कराज पार्किंग से लेकर के यहाँ पर एंट्री करवाई जा रही है और लगभग 25 से 30 हज़ार लोग ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी जो है लाइनों में आ चुके हैं और दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर प्रशासनिक अमले की बात करें तो फिर जो है 500 से अधिक लोग जो है विभिन्न कैपेसिटीज़ में लगे हुए हैं, मंदिर के लोग लगे हुए हैं। इसके अलावा पुलिस बल बड़ी भारी संख्या में लगा हुआ है। पेयजल की व्यवस्था की गई है, जगह जगह पर शौचालय की व्यवस्था की गई है और सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। आज 9 अगस्त को महाकाल के मंदिर में नागचंद्रेश्वर भगवान की नागपंचमी के दिन एक दिन के लिए जो मंदिर खुलता है उसके दर्शन कराए जा रहे हैं। ये 24 घंटे के लिए मंदिर खुलेगा, इसमें हमारा एस्टिमेशन है कि 8 से 10 लाख लोग दर्शन करेंगे। इसमें सभी के लिए व्यवस्था की गई है। हमारा प्रयास है कि 1 से 1.25 घंटे से ज़्यादा वेटिंग टाइम किसी के लिए भी ना रहे। सुगम दर्शन डॉट 12 बजे के बाद से चालू करा दिए गए थे। दर्शन व्यवस्था सुचारू रूप से जारी है। 1800 से ज़्यादा आदमी सभी जगह पे लगे हुए हैं और पूरा जो रूट है वो CCTV के माध्यम से कवर किया गया। सर कितना बल लगाया गया, कितने जिगजैग बनाए गए, जो आम श्रद्धालु कितनी देर में दर्शन? 1850 लोग टोटल लगाए गए हैं। इसमें करीबन 2 किलोमीटर का वॉकिंग डिस्टेंस है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है और मंदिर क्योंकि एक ही दिन के लिए खुलता है, इसलिए हमारा प्रयास है कि हम 2 किलोमीटर के वॉक में, जिसको मॉडिफाई भी किया जा सकता है भीड़ के हिसाब से, और मैक्सिमम 1 से 1.25 घंटे के बीच में हम सभी को दर्शन करा लेंगे। नाग पंचमी का बहुत अच्छा अवसर है, ये साल में एक बार रहता है और यहाँ इस मंदिर में सिर्फ 24 घंटे के लिए आज के दिन ही द्वार खुलते हैं, तो आज के दिन जो दर्शन कर लेता है उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा जो एक्सपीरियंस है ये और किसी मंदिर में आपको कभी नहीं मिलेगा। इतना अच्छा पॉजिटिव ऑरा हर चीज़ और किसी और मंदिर में मेरे को नहीं लगता कि इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट जो होता है वो कहीं मिलेगा।